सतना की जीवन ज्योति कॉलोनी स्थित इलेक्ट्रिकल सामानों के गोदाम में अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी अमले सहित मौके पर पहुंचे। नगर निगम की फायर टीम अधीक्षक आरपी सिंह परमार के मार्गदर्शन में आनन फानन में पहुंच गई। आग इतनी भयावह रही कि उस पर काबू पाने के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड के अलावा बिरला सीमेंट के फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकरों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। टीम द्वारा दमकल के पाइपों से आग पर पानी फेंका गया, किंतु तीसरी मंजिल में इलेक्ट्रिक के बिजली के तार एवं अन्य उपकरणों के रखे होने के कारण आग बुझाने में टीम को जब दिक्कत होने लगी तो फायर ब्रिगेड के अमला छत तोड़कर अंदर घुसा और वहां से पानी फेंक कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। यह क्रम लगभग पौने घंटे जारी रहा। उक्त घटना की सूचना मिलने पर महापौर योगेश ताम्रकार, चैम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा नगर निगम आयुक्त डॉक्टर शेर सिंह मीना भी मौके पर पहुंच गए। घटना के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक जगतदेव तालाब रोड पर स्थित लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स के संचालक कमल मंगलानी का गोदाम जीवन ज्योति कॉलोनी के आखिरी मकान में स्थित है। बताया गया है कि इस गोदाम में फर्म का लाखों रुपए का विद्युत सामान रखा हुआ है। गोदाम के ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक में सामान भरा हुआ है। सूत्रों की माने तो नगर निगम की फायर शाखा के मानदंडों के अनुरूप इस गोदाम में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है, जबकि नगर निगम द्वारा तमाम उद्योगों एवं फर्मों के संचालकों को पूर्व में ही फायर NOC हासिल करने तथा आग से सुरक्षा के इंतजाम, अग्निशापक यंत्र, रेत भरी बाल्टियां, पानी की पर्याप्त व्यवस्था आदि निरंतर रखे जाने तथा अग्निशामक यंत्र की अवधि समाप्त होने तक रिफिलिंग तथा इसके संचालन की जानकारी होना आवश्यक है।